मौत का वो मंजर याद है आपको? याद है कैसे अचानक प्रधानमंत्री मोदी पर्दे पर आए और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था? देश ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा था 1975 के बाद, जिसके पास देश में बंदी करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। पूरे देश में बंदी लग तो गई थी, मगर इसके बाद आगे की कोई भी रणनीति सरकार ने तय नहीं की थी। गलती तो उसी वक्त हो गई थी जब देश में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बावजूद भी मोदी जी नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त थे, और इनके हुड़कचुल्लू टीवी एंकरों ने इनकी गलतियों का पूरा ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ दिया था। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी और ये लोग टेलीविजन पर कुकुर झौंझौं कर रहे थे। पूरे देश में बंदी थी, अस्पताल में बेड के लिए लोग ठोकर खा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही थी। किसी ने अपना बाप खोया तो किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपनी माँ खो दी। गंगा माँ के किनारे लाशों का ढेर लगा पड़ा था, आसमान में परिंदे चिल्ला रहे थे, सरकार की कुव्यवस्था के नतीजे दिखला रहे थे। वो दौर आज भी लोगों के दिल में और भारत के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज है कि कैसे देश में मौतें हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव में भीड़ देखकर खुशी मना रहे थे। किसी तरह देश वापस से जगह पर आया है, आम जनमानस अब पटरी पर चढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पहले के तरह तो नहीं, पर उठने का प्रयास कर रही है। ऐसे में चीन से ईजाद हुई ये बीमारी एक बार फिर चीन से निकल कर ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है। फिर देश में एक बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, भारत में फिर वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस वक्त लॉकडाउन लगाना सही होगा? क्या फिर से देश को संपूर्ण बंद करना सही होगा? इन सब सवालों के जवाब जनता से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। बात करें पिछले बार की, तो पिछले बार सरकार के पास कोई आगे की रणनीति नहीं थी, मगर इस बार सरकार पहले से बैठक कर रही है और सरकार कई रणनीतियां भी तैयार कर रही है। भारत हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पहले ही बहुत नीचे जा चुका है और अर्थव्यवस्था को लगातार चपत लगती ही जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन बिना सटीक रणनीति बनाए करना देश के लोगों को बिल्कुल सड़क पर लाने जैसा फैसला होगा। इस फैसले से गरीबों से ज़्यादा मौत मध्यवर्गियों की होगी, जो समाज में इज्जत होने के नाते किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो घर पर ही जूझ कर मर जाते हैं। पैसों से जो लोग बेहद मजबूत होते हैं, उन्हें खासा फर्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता है। अत्यंत गरीब भी दरवाजों पर हाथ पसार कर या सरकारी योजनाओं के जरिए अपना भरण पोषण कर लेते हैं। मुद्दा सिर्फ भूख का भी नहीं है, मुद्दा सुविधाओं का भी है कि देश के पास क्या स्वास्थ्यी जरूरत अनुसार तमाम चीज़ें मौजूद हैं, क्या जरूरत अनुसार बेड है, क्या पर्याप्त ऑक्सीजन है। ये सारे सवाल भी बेहद आवश्यक है। और क्या सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो लोगों को कम कीमतों पर तमाम सुविधा मुहैया करा सके, ताकि कोई भी वर्ग जरूरत के समय सुविधाओं से वंचित ना रह जाए। ये सारे सवाल बेहद जरूरी है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जिसने वक्त के साथ अपनों के चेहरे से रूबरू करवा दिया था, हमें ये बता दिया था कि जब सवाल जिंदगी और मौत का होता है तो हर वो अपना जिसे हमने खुद से अपना बताया था, वो अपनापन की पाजेब उतार कर नाले में बहा देता है। ऐसे में सरकारों पर भरोसा करना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके कुपित कर्मों से इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि नेतागण बस अपना स्वार्थ देखने भर ही मूर्त रूप से मौजूद हैं और जनता को वो बस कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़, पॉलिटिकल बाइट।